नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जम्मू कश्मीर के कुलगामा जिले में आज सुबह एक गंभीर मुठभेड़ की घटना निकलकर सामने आई। ये मुठभेड़ आदि गांव के देवसारा क्षेत्र में हुई है, जहां पर सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली। जानकारी के मुताबिक कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल की पूरी टीम ऑपरेशन करने की शुरुआत कर चुकी। सुरक्षा बलों ने गांव के चारों ओर से घेर लिया और घर के अंदर तलाशी अभियान को शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल इलाके में प्रवेश कर रहे थे, छिपे हुए आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी और इस मुठभेड़ में अब तक 3 सेना के जवान और 1 पुलिस वाला घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के अनुसार 2 आतंकवादी अभी भी गांव के एक घर में छिपे हुए हैं और लगातार गोलाबारी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने भी इसका जवाब दिया है और इलाके में पूरी तरह को सील कर दिया गया। वहां के लोगों को घटना स्थल से दूर रहने की भी सलाह दी है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कैजुअल्टी ना हो पाए। इस मुठभेड़ के कारण इलाके में तनाव का माहौल बना है और प्रशासन स्थिति पर करीब करीब नजर रखा हुआ है और सुरक्षा बलों ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। अधिकारियों का ये कहना है कि जल्दी आतंकवादियों को खत्म कर दिया जाएगा और ऑपरेशन सही तरीके से खत्म होने ही वाला। स्थानीय निवासियों ने इस मुठभेड़ पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन अक्सर नागरिकों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित किया है कि आम नागरिकों को कोई भी नुकसान न पहुंचे। जैसे जैसे मुठभेड़ जारी है, सभी की नजर इस पर टिकी हुई है। क्या सुरक्षा बल जल्द ही इस चुनौती का हल निकाल पाएंगे और जो वहां के लोग हैं वो सही सलामत अपने घरों में इस वक्त छुपे हुए, ताकि कोई भी कैजुअल्टी बड़े पैमाने पर घटित ना हो पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर के लिए आप बने रहें न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।